धूल मिट्टी और प्रदूषण की वजह से चेहरे की चमक चली जाती है। कहते हैं जो हम खाते हैं वही ऊपर दिखाई देता है और हमारे खान पान का भी त्वचा पर काफी असर पड़ता है। अक्सर विशेषज्ञ ये सलाह भी देते हैं कि अपनी त्वचा की चमक को बरकरार रखने के लिए पूरे दिन का स्किन रूटीन फॉलो करना जरूरी है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो स्किन रूटीन भी नहीं अपनाते लेकिन अपनी त्वचा को जवां और खिली हुई रखना चाहते हैं। तो स्किन रूटीन के साथ आपको जरूरत है विटामिन ई इस्तेमाल करने की। विटामिन ई एक नहीं बल्कि कई समस्याओं का निवारण करता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। चलिए जानते हैं कैसे। हमारी आज की इस वीडियो में हम हमारे चेहरे की स्किन के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने चेहरे पर कैसे निखार लाएं और कैसे हम अपने रफ स्किन को रिकवर करके स्मूथ और फ्लॉलेस बनाएं। सबसे पहले हम चेहरे और निखार के बारे में बात करते हैं। इन दोनों के पीछे दो फैक्टर्स सबसे अहम माने जाते हैं। पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है, क्योंकि अगर आप लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और आपका किसी कारण पेट साफ नहीं है तो आपके अंदर पानी की कमी होती है और इसका मतलब है कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड है या फिर आपका ब्लड प्योरिफायर नहीं हो रहा है और ऐसे में आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और ये तमाम फैक्टर्स आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं और इसी वजह से आपका चेहरा डल रूखा और बेजान सा नजर आता है। और अगर इसके ऑपोजिट बात की जाए, अगर आपकी ये सभी चीजें संतुलन में हैं और अच्छे से चल रही हैं, तो आपके चेहरे पर ग्लो और आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपकी स्किन में अहम रोल प्ले करते हैं। जहां आज लोग अपने चेहरे को फ्लॉलेस और बेहतरीन दिखाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी स्किन अच्छी दिखती है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपके स्किन में सुधार लाने की कोशिश आपका और ज्यादा नुकसान कर देती है। इससे स्किन बहुत ज्यादा डल नजर आने लगती है और ये कारण होता है आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्सटर्नली केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से। अब बात करते हैं विटामिन ई ऑयल की कि आखिर विटामिन ई से क्या फायदा हो सकता है। तो आपको बता दें कि बालों चेहरे और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए विटामिन ई बहुत फायदेमंद होता है। इसे कई तरीके से चेहरे और बालों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे इस ऑयल की कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये विटामिन स्किन की चमक को बढ़ाती है। विटामिन ई में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण चेहरे से लेकर बालों तक के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं या नहीं। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो इसका असर आपको जल्द ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इसका सही इस्तेमाल कर आप अपनी स्किन और बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए जानते हैं चेहरे के लिए कैसे करें विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल चेहरे पर आसानी से किया जा सकता है। विटामिन ई त्वचा को ड्राई होने से बचाता है और इसे ग्लोइंग बनाता है। विटामिन ई के कैप्सूल को रोजाना रात में सोने से पहले बादाम या नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। इसका इस्तेमाल मॉइस्चराइजर लोशन या स्क्रब में मिलाकर भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आप अपने चेहरे और गर्दन पर सीधे कर सकते हैं। आँखों के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल। आँखों के नीचे पड़ रहे काले घेरे या फिर थकी हुई आँखों के लिए इसका इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। ऐसे में विटामिन ई ऑयल को सीधे आँखों के नीचे लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। इसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। चलिए अब जानते हैं कि बालों के लिए कैसे करें विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई का इस्तेमाल आप ना सिर्फ स्किन के ऊपर कर सकते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल बालों को घना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। विटामिन ई का इस्तेमाल रोजाना लगाने वाले हेयर ऑयल में डालकर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बाल धोने से एक दिन पहले करें। इसके लिए नारियल तेल में विटामिन ई के तेल को अच्छे से मिक्स करके बालों में लगाएं और सुबह अच्छे से शैम्पू कर लें। होंठों के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल। विटामिन ई का इस्तेमाल होंठों के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे होंठ मुलायम और चमकदार बनते हैं।
विटामिन ई के कैप्सूल को उसका लिक्विड निकालकर बादाम के तेल या ग्लिसरीन के साथ मिलाकर होंठों पर सोने से पहले लगाएं। इससे होंठ कुछ ही दिनों में सॉफ्ट और चमकदार दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको हेल्थ से जुड़ी किस तरह की समस्या के बारे में जानना है, ताकि हम आपके लिए उसी से जुड़ी वीडियो बना सकें।